हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम जगदीप है और हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की इस पूरे वीडियो सीरीज में अब तक हमने बात की इंट्रोडक्शन टू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने बात की मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्वस की ठीक इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट लाइन के बारे में बच्चों अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होंगी मैं नोट्स और क्विजेज रिलीज़ करूँगी अपने फेसबुक पेज पर तो जिन भी बच्चों ने अब तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है जल्दी से कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं सीरीज़ में उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेटर होगा आप पहले वाले वीडियोस देखें समझे और उसके बाद बजट लाइन पे आए ठीक है तो बच्चों चलते हैं लेक्चर में तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था हम बात कर रहे हैं बजट लाइन की अब बजट जो वर्ड है वो क्या बताता है वो बेसिकली एक अपर लिमिट बताता है किस चीज़ की आपकी स्पेंडिंग केपेबिलिटीज़ की एज अ कंज्यूमर हमारी स्पेंडिंग केपेबिलिटीज़ कहाँ से आती हैं हमारी इनकम से राइट right? जितनी हमारी इनकम होगी उसके हिसाब से हमारा बजट होगा दैट मीन्स हर एक कंज्यूमर का बजट डिफरेंट होता है अलग होता है डिपेंड करता है उसकी सैलरीज पे, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस पर और उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स पर है ना सो अस सी बजट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है सो बजट लाइन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई बजट लाइन जो है वो शो करती है वेरियस कॉम्बिनेशनस किस चीज़ के उन दो कमोडिटीज़ के जो कंज्यूमर अपने गिवन बजट के साथ में परचेज़ कर सकता है व्हेन इन दो कमोडिटीज़ की प्राइस गिवन हैं या फिक्सड हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे बजट लाइन शोज़ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज विद अ गिवन बजट एट गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ गई है ना एक तो बजट कंज्यूमर का और एक कमोडिटीज़ की प्राइसेस तो अगर हम ये कहें कि बजट लाइन किन चीज़ों पर निर्भर करती है या किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिख दूँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स है ना अब हम बजट लाइन पे हैं तो हमें इतना तो आइडिया है कि भाई इन डिफरेंस कॉफ़ एनालिसिस में कंज्यूमर हमेशा दो कमोडिटीज़ ही खरीदेगा तो प्राइसेस भी दोनों ही कमोडिटीज़ की होंगी और जब हम बात करते हैं बजट लाइन के एज़ाम्पशंस की है ना क्योंकि हम माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकनॉमिक्स में एजाम्पन्स तो होंगे ही सो so एज़ाम्पन्स क्या कहते हैं कि भाई ये जो इनकम है और ये जो प्राइसेस ऑफ गुड्स है ये दोनों फिक्स्ड रहेंगे फ़िक्स रखने का रीज़न क्यों क्योंकि अगर इनकम बदल जाती है तो कंज़्यूमर की स्पेंडिंग भी बदलेगी क्योंकि उसका बजट भी चेंज हुआ है इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनकम बढ़ी है तो स्पेंडिंग बढ़ी है क्योंकि बजट बढ़ गया है, है ना और प्राइस ऑफ गुड्स क्यों अगर प्राइस ऑफ दीज गुड्स इंक्रीज़ हो जाती है तो कंज्यूमर खर्चा कम करेगा है ना स्पेंडिंग कम कर देगा इन दोनों ही केसेस में कौन से केस में इस केस में और इस केस में इन दोनों ही केसेस में कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं रह पाएगा है ना दैट मीन्स यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन माइट इंक्रीज या डिक्रीज़ तो किसी भी सूरत में ये कंज्यूमर जो है सेम इन डिफरेंस कर्व पर नहीं रह सकता क्योंकि उसके लेवल ऑफ़ सैटिस्फेक्शन चेंज हुई है राइट इसीलिए बजट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं या जब हम बजट लाइन का कॉन्सेप्ट इन डिफरेंस कर्व्स में इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वी स्टडी करने के लिए यह एज़्यूम करके चलते हैं कि भाई कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स रहेगी और दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस भी फिक्स्ड रहेंगी अब हम क्विकली बजट लाइन के फीचर्स देख लेते हैं अगले वीडियो में हम डायग्राम देखेंगे और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक तो शुरू करते हैं फीचर्स किसके फीचर्स हैं ये बजट लाइन के ठीक है दोबारा से रिमाइंडर तो so, सबसे पहला फीचर क्या है बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऐसे और डाउनवर्ड स्लोप हो रही है इसका मतलब एक कमोडिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी बाय डिफॉल्ट कम होगी ही तभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग सेगमेंट बन पाती है ठीक कंज्यूमर जो है वो अपनी या तो पूरी इनकम या पार्शियल इनकम स्पेंड कर सकता है यानी कि कंज्यूमर में स्पेंड होल और अ पार्ट ऑफ हिज इनकम ठीक अब इस सेगमेंट के बेसिस पर तीन सिनारी निकल के आते हैं कौन से कौन से हम यहाँ निकलेते हैं तो या तो कंज्यूमर होल इनकम स्पेंड कर रहा है या पार्ट इनकम स्पेंड कर रहा है या वो ऐसे कं कॉम्बिनेशन डिज़ायर कर रहा है जो उसकी रीच के बाहर हैं आउट ऑफ हिज रीच ठीक है अगर ऐसा सीनारियो होता है होल वाले सेगमेंट में अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है तो उसके जो भी कॉम्बिनेशंस हैं जो वो परचेज कर रहा है दैट विल लाई ऑन द बजट लाइन ठीक है सो कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन बंडल्स विल लाए ऑन द बजट लाइन वहीं पे अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा है उसके पास अभी भी पैसे बच रहे हैं तो उस सिनारियों में जो कॉम्बिनेशन बंडल है वो बजट लाइन के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा ठीक है कॉम्बिनेशन बंडल लाई टू दैफ्ट ऑफ द बजट लाइन और वहीं पे अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को अच्छा तो बहुत लग रहा है पर उसके बजट के बाहर है तो वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बंडल विल लाई टू राइट ऑफ द बजट लाइन ठीक है अगर आप लंबे वीडियोस नहीं देख सकते टाइम कंस्ट्रेंट्स या बोरियत जो कह लो तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी देख सकते हैं उस पर भी आपको रील्स मिल जाएंगे इतने डिटेल में डेफिनेटली वहाँ नहीं होगा बट कॉन्सेपचुअल नॉलेज आपको डेफिनेटली वहाँ मिल जाएगी अगर उतना ही आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम रील्स इज वॉट यू नीड टू फॉलो ओके अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय नाउ टेक केयर